भैया जी, हम का कहें कि हमें एक फूल लोहिया दिखाना। लोहिया? अरे लोहिया का होता है भाभी जी? लोहिया ना बता। तो ये बर्तन की दुकान काहे के लिए खोल रखी है? सब्जी की ठेली लगा लो तुम, सब्जी बेचो सब्जी। तुम्हारी बस की ना ये बर्तन की दुकान चलाए वो। लल्लन कढ़ाई मांग रही हैं ये। अरे भाभी जी, तो ऐसे बोलो ना, तुम्हें कढ़ाई चाहिए? लोहिया लोहिया कर रही हूँ। बताओ कैसी कढ़ाई चाहिए, छोटी मीडियम बड़ी, बताओ कौन सी चाहिए? ऐसी कढ़ाई दिखा दो जिसमें चार पूड़ी अच्छे से सिक जाए। अच्छा भाभी जी, लो देखो, जाए देखो, जहाँ मैं तली जाऊंगी तुम्हारी चार पूड़ी आराम से। ले कहाँ है चार पूड़ी? हम कह रहे हैं थोड़ी ऐसी दिखाओ जिसमें चार पूड़ी आराम से तली हो जाए, सिक जाए। अच्छा भाभी जी, जहाँ मैं आ रही हूँ, तो एक मिनट रुको। लो जहाँ मैं आ जाऊंगी, ले लो चार का जहाँ में तुम 10 पूड़ी आराम से डाल लोगी। अरे जब मैं कह रही हूँ इतनी बड़ी काई का मैं क्या करूंगी, बोलने की दावत करने बैठी हूँ। चार पूड़ी जिसमें आराम से तल जाए ऐसी दिखाओ। हेलो भाभी जी, जहाँ मैं तो तुम्हारी आराम से तल जाऊंगी ना चार पूड़ी। हाँ भैया, आ तो रही है मगर सही से नहीं आ रही, थोड़ी सी कुछ और दिखाओ। अरे भाभी जी, तुम यार रहने दो, ऐसा करो तुम, तुम्हें नहीं दे पाऊंगा मैं, वहाँ चली जाऊँ शर्मा टेंट हाउस पे, वहाँ से तुम्हें जैसी कढ़ाई होना चाहिए हो वहाँ से उड़ा लो किराए पे। चार पुड़ी के पीछे पड़ गई हो, चार ही सेकनी है। अरे पुड़ी का क्या है, छोटी बड़ी कर लो, चार आ जाऊंगी। ऐसा है, ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत ना है, मोहल्ले में और भी बर्तन वाले हैं, उनसे ले लूंगी मैं। आयो बड़ा बर्तन वाला। सॉरी भाभी जी। अरे भाभी जी, थोड़ा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इसीलिए, बता सॉरी सॉरी, बताइए कौन सी देनी है। ठीक है बताओ, ये वाली कितने की दी है? भाभी जी ये वाली हम आपके लिए 300 रुपए की लगा देंगे, ले लो। क्या 300 रुपए की कढ़ाई? हमने कभी देखी ना है कढ़ाई का, है ना कभी करी थी? मेरे घर पे दो दो कढ़ाई पड़ी हुई है, वो तो मैं ये धनतेरस के चलते ले रही हूँ। अरे अरे भाई रुको रुको, अरे यार ऐसा करो 10-5 कम कर लो, मना थोड़ी कर रहे हैं। 280 दे दो। ठीक है ठीक, भी कुछ नहीं है, 200 रुपए दूंगी बस, देख लो तुम। भाभी जी का कसम खा के आईयो का, चलो तुम 250 दे दो। ठीक है ऐसा है, मैं 200 रुपए से 1 रुपया ज्यादा ना दूंगी, बस देनी हो तो दे दो, ना देनी तो मंदो बस। अरे भाभी जी 2 रुपए मिलेंगे नहीं तो हम कैसे दे देंगे, हम बताओ कहाँ के लिए बैठे हैं हम, एक आध 2 रुपया तो मिलने दो, तुम तो जिद करके बैठ गई हो। दोस्तों हम कर रहे हैं धनतेरस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो आज हम आ चुके हैं मार्केट में, तो यहाँ देखिए दुकानदार वालों और भाभी जी के बीच में कुछ बहस हो रही है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्यों हो रही है बहस। तो हम भाभी जी से बात करेंगे, भाभी जी बताइए क्या प्रॉब्लम हुई, आप क्यों नाराज हैं? भाभी जी, भाभी जी बोलिए। हाँ भाभी जी, तो लगता है भाभी जी बोलने के मूड में नहीं है, तो हम करते हैं दुकानदार वाले से बात। हाँ जी भैया, आप इस शॉप के ओनर है? ना ना, हम तो यहाँ घूम रहे हैं, शॉप के ओनर तो तुम हो। क्या भैया जी भी बहुत गर्म है, लगता है गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा भाई साहब, भाभी जी क्यों नाराज हुई पूछता है भारत, बताइए। हाँ हाँ, घुसेर दो हमारे मुंह में माइक, कर लो तुम रिपोर्टिंग कर लो, हम दुकानदारी छोड़ के बैठ जा रहे हैं। तो साल में एक बार त्योहार आता है, उसमें भी तुम अपना माइक लेके घुस जाते हो, तो दुकानदारी करने दो, 2 रुपए कमाने दो हमें भी अपने परिवार के लिए। हाय लेके माइक, लगता है भाई साहब भी नाराज हो गए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ खड़े लोगों से बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी चाचा जी, चाचा जी बताइए आप यहाँ क्या खरीद रहे हैं? ये गुटखा पान की दुकान है और ये बीड़ी सिगरेट खरीद रहे हैं हम यहाँ से। अरे बर्तन की दुकान है, बर्तन खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं? अरे यार जिसे देखो वो अकड़ रहा है। ए चाचा हम पूछ रहे हैं बर्तन में क्या खरीद रहे हो तुम यहाँ? सोच रहा हूँ वाइन का ग्लास ले लूँ, जब भी पी के उठता हूँ यार ग्लास रुलवा लेती है वो, अपना होगा अलग बर्तन तो रुलवाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे चाचा मगर वाइन का ग्लास तो कांच का होगा, मगर आज के दिन तो कोई धातु की सामान खरीदते है ना, उसमें क्या खरीदोगे तुम? हाँ खरीदूंगा ना, कटोरा खरीदूंगा। कटोरा? अरे कटोरा क्यों खरीदोगे? अरे यार जवानी से बुढ़ापा आ गया, मगर तेरी चाची मुझे ताना देती रहती है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो तुम भीख मांगते। अरे चाचा तो तुम कटोरा लेके भीख मांगना चाहते हो? अरे भीख कौन मांगना चाहता है यार, अब जब भी वो मुझे ताने देगी तो मैं कटोरा को लेके निकल लूंगा भीख मांगने के लिए, अपने आप शर्म के मारे मरे कर देगी वो। और चाचा इस बोरी में क्या रखे हो तुम?
अरे तेरी चाची है यार, हफ्ते भर से सफाई कर रही है और ये टूटे फूटे बर्तन भर के दे दिए है मुझको कि जाओ बेच आओ बर्तन वाले की दुकान पर, तो वही लाया हूँ उसमें। अरे तो तुम्हें ये कबाड़ की दुकान लग रही है चाचा? अरे बेटा ये बर्तन वाले तो एक सब खरीद लेते हैं ना, टूटा फटा सामान पीतल का स्टील का सब ले लेते हैं ये, तो बस ये नया दे देते हैं उसके बदले। हे भैया कट्टा है, कट्टा कट्टा, गौर से देखिए इस शख्स को, ये बर्तन की आड में कट्टा बंदूक का काम कर रहा है। क्या ये कट्टा बंदूक की तस्करी करता है? हे हे क्या पागल है का रिपोर्टर तू है? है मैं पानी वाले कट्टे की बात कर रहा हूँ, पानी भरने वाला कट्टा लेने आया हूँ। चलिए भाभी जी से बात करते हैं हम फिर से। भाभी जी आप बताइए, आप धनतेरस को कैसे देखती हैं? देखते हैं मतलब? देखते हैं से मतलब है कैसे मनाती हैं आप? देखो गाड़ी वाड़ी तो सभी खरीदते हैं, लेकिन हमारी अम्मा कहती हैं कि धनतेरस के दिन धातु के बर्तन खरीदने चाहिए, वो शुभ माने जाते हैं। अच्छा तो क्या खरीद रही हैं भाभी जी आप? सोच रहे हैं कि कढ़ाई तो देखो इन पे मिली ना है, हम सोच रहे हैं कि एक डेगची वेगची ले लेंगे और पूजा घर में लटकाने के लिए घंटरिया ले लेंगे बस। अरे ये कुछ ना लेने वाली, घंटे भर से टाइम पास कर रही है, छोटी कढ़ाई बड़ी कढ़ाई, अब कह रही है डेगची घंटरिया, तुम कुछ ना लेने वाली, हमें सब पता है हर बार का इनका यही नाटक है, कुछ ना ले रही है। क्या भाभी जी आप हर बार ऐसे ही करती हैं क्या? चार बर्तन रख के बैठ गए, दो कढ़ाई डंकी ना दिखाई, कह रहा हूँ बर्तन ना लेती है क्या तेरे पास डंका बता? चार बर्तन रख के बन गया दुकानदार, चार बर्तन रखे बैठा हूँ, ये चार भी तो तुमसे लिए ना जा रहे, दिमाग खराब ना करो भाभी जी, काम धंधे का टाइम है, सुबह सुबह तुमसे मूड मानने ना बैठा मैं, यहाँ जाओ कहीं और से ले लो। और हाँ चाचा तुम यहाँ का कोई तमाशा चल रहा है, घंटे भर से खड़े हो, कुछ लेने आए हो तो लो, ना लेना तो जाओ बस, काम काम की भीड़ भर आए हो। वाह वाह लल्लन वाह, बताओ और का गुस्सा देखो हम पे निकाल रहा है, और उससे तो कुछ कहना गया, यहाँ यहाँ हम पे तानी तोड़ रहा है। कुछ ना तोड़ रहा, तुम बताओ क्या लेने आए हो बस, पिछले पैसे कब दोगे? पिछले कब गए तेरे पैसे? ए, पिछली बार तुम आए नहीं थे चाची के संग, वो कुकर लेके गए थे, 700 का कुकर था वो, और तुम मुझे 500 पकड़ा के चले गए, 200 रुपए रह गए थे उसमें, वो दो पहले। देख ललन तू यार झूठ बोल रहा है, देख 500 की तय हुई थी, तू 700 बता रहा था, मैंने 500 दिए थे, 500 में क्लियर हुआ था, अब तू बेईमानी कर रहा है ललन। अच्छा मैं बेईमानी कर रहा हूँ? अरे बेईमानी तो तुम कर रहे हो चाचा, हराम का खाने वाले हो तुम, जाओ मत दो और निकल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। जा मार निकल जाएंगे, कीड़े पड़ेंगे पड़ जाएंगे, तू अपने काम से काम रख। मैं कीड़े पड़ने की कही है? तुम अपने एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो फालतू में, चाचा आओ मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ इसीलिए कुछ नहीं कह रहा, मैं भूल गया तुम्हारे 200 रुपए, जाओ तुम बस सब यहाँ से। तो चले आ रहे हैं, ये तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, कर ले जा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं चाचा और लल्लन के बीच गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, पता नहीं चाचा ने लल्लन के पैसे मार लिए हैं या लल्लन झूठ बोल रहा है, तो इसका हमें पता नहीं है। आप देखते रहिए CPM जोकअप, और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी दिवाली।